Hey guys, welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही क्यूट से कुछ क्रिसमस के DIYs जो कि मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं. सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हमारा जो फर्स्ट DIY है वो है ये मेसन जार. सो उसके लिए मैंने एक जाम की बॉटल ली है, उसके ऊपर मैंने एक रेनडियर का स्टिक कर लिया है, उसका सिलहाउट बना के. तो मैंने यहाँ पे एक स्टिकी पेपर जो आता है वो यूज़ किया है, और बाकी के जगहों पर हमने ये रेड कलर से स्पंज की हेल्प से पूरे बॉटल को पेंट कर दिया है. और जब ये अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो हम ये जो अपना स्टिकर हमने लगाया है इसको हम रिमूव कर देंगे, एंड दैट्स इट. फटाफट से हमारा DIY रेडी हो गया. और इस पर हमें कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स वो आपके ऊपर आप क्या ऐड करना चाहते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स, कुछ लीव्स और एक जूट रोप ऐड किया है, एंड दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट. सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड DIY जो कि मेरा फेवरेट है. सो उसके लिए मैंने ये एक ये मेरे बॉक्स का लिड था मेरे पास वो यूज़ किया है, उसको मैं स्पंज की हेल्प से पूरे को वाइट कलर से पेंट कर दूंगी. आप जैसो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बट मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट ही यूज़ किया है. और फिर इसको मैं अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दूंगी. जब तक ये ड्राई हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ना कुछ थर्माकोल की बॉल्स को सेमी सर्कल शेप में कट किया है. और एक्चुअली ये मेरे को रेडीमेड टाइप ही मिला था, ये सर्कल था तो मैंने सर्कल को हाफ बीच से स्लिट कर दिया है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है. और फिर इसके बाद मैं इस तीनों को ब्राउन कलर से पेंट कर दूंगी, लाइट ब्राउन कलर से, विच इज़ रॉस या ना. और फिर मैं इसका जो हमारा बॉक्स की विथ है उसको मेजर करके कुछ आइसक्रीम स्टिक्स को मैं एक ऐसे वर्टिकली अरेंज कर रही हूँ. और फिर इस से जितने हमारे लेंथ है, सॉरी जितनी विथ है, उस सेम साइज़ का हमने एक कार्डबोर्ड कट किया है और उसके ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूँगी. इससे ये सारी जो स्टिक्स हैं आइसक्रीम स्टिक्स ये एक साथ स्टिक हो जाएंगे. अब इनको थोड़ा और अच्छे से स्टर्डी बनाने के लिए मैं कुछ वर्टिकली स्टिक कर रही हूँ यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स. तो ये हमारा काइंड ऑफ फेंस टाइप का रेडी हो गया है. और बिकॉज इट्स क्रिसमस टाइम सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी रेड होती हैं, रेड इज़ द थीम फॉर क्रिसमस. तो अब मैं इसको रेड कलर से पेंट कर दूँगी. और अब मैंने एक और स्टिक लिया है आइसक्रीम स्टिक, उस पर मैंने नॉर्मल मेरी क्रिसमस लिखा है और इसके ऊपर मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी. तो मैंने ये नॉर्मल मार्कर से लिखा है और यहाँ पे मैंने कुछ ये क्ले के फ्लावर्स बनाए थे और यहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल प्लांट, सॉरी एक ट्री टाइप का पड़ा हुआ था लीफ टाइप का मेरे पास, तो वो मैंने स्टिक कर दिया है. और ये कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स जो कि मैंने क्ले के बनाए थे. ये हमारा ब्यूटीफुल सा फेंस हमारा रेडी हो गया है और अब मैं इसको इस बॉक्स लेड पे स्टिक करूँगी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. अब इसको थोड़ा सा ट्रिम ऑफ कर देंगे एक्सेस जो है नीचे से, और अब इसको अरेंज करके देखूंगी ये जो हमारे जो मैं ये राउंड सर्कल्स बनाए हैं. और इसके ऊपर मैं इनकी मैं ये गूगली आईज मेरे पास पड़ी हुई थी तो उनको मैं ऐसे लगा रही हूँ. अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल आईज बना भी सकते हैं एक्रिलिक कलर से, बट इससे थोड़ा सा 3D वाला इफेक्ट आ रहा था. और यहाँ पे मैंने रेड कलर का पॉम पॉम छोटा सा वो लगा दिया है. और फिर हमारे पास मेरे पास कुछ प्लांट के जो ब्रांचेज होते हैं ना जो सूख जाते हैं उसके मैंने इनके हॉर्न्स बनाए हैं, ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे. और फिर बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्नो इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे पूरे पे फेविकॉल लगा लिया, अच्छे से स्प्रेड कर लिया है पूरे पे फेविकॉल को. एंड देन मैं यहाँ पे कुछ कॉटन ले रही हूँ और कॉटन को इस पूरी बैकग्राउंड पे अच्छे से पूरे उस पर लगा दूँगी कॉटन को. तो ऐसे थोड़ा सा एक्चुअली मैं बचपन में ये क्राफ्ट में बनाते थे ना, तो क्लाउड्स बनाने होते थे या स्नो बनाना होता था तो इस तरह से बनाते थे, तो वो मुझे याद आ गया. तो इससे थोड़ा सा 3D और थोड़ा सा स्नोई टाइप का इफेक्ट आ गया. सो इस पूरे पे बैकग्राउंड पे मैं इसको लगा दूंगी कॉटन को अच्छे से.
दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब ये जो मैंने 3 रेनडियर के फेसेस बनाए इनको ग्लूगन की हेल्प से मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। तो इट सीम्स लाइक कि हमारा ये जो रेनडियर्स हैं ये फेंस के पीछे से ऐसे पीप आउट कर रहे हैं। सो ये बड़ा ही क्यूट लगा, तो मुझे आपने जो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब इसको नीचे जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन सा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मैक्रमे रोप था तो वो लगा दिया मैंने। एंड देन इसको हैंग करने के लिए मैं ऊपर की साइड पे जूट रोप लगा रही हूँ ट्विस्ट करके। हाउ इट टर्न आउट गाइस, सो प्लीज़ मेरे को बताना कॉमेंट करके कि इनमें से आपका फेवरेट कलर कौन सा है। और स्टार्ट करते हैं अपना 3rd DIY जो कि है एक प्रेयर बॉक्स। उसके लिए मैंने एक ये टिन बॉक्स लिया है, उसको मैंने वाइट पेंट कर लिया और फिर इसके ऊपर मैं ब्लैक कोट करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्टली ब्लैक कोट भी कर सकते हैं, बट मुझे इस पर कुछ डिज़ाइन से तो वो हाइड करना था इसलिए मैंने पहले वाइट लगाया और फिर उसके ऊपर ब्लैक कोट किया है। और इसके ऊपर मैं कुछ ये रैंडम फ्लावर्स बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू डेकोरेट दिस बॉक्स एज पर योर क्रिएटिविटी। सो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फ्लावर्स बना रही हूँ, कुछ लीव्स बना रही हूँ, सम रैंडम पैटर्न्स। तो ये हमारा कवर इस बॉक्स का बन गया है। अब इस कवर के अंदर भी मैंने कि थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट लिखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। एंड देन इसको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ कुछ फ्लावर्स बना के। फिर मेरे पास ये छोटी सी डायरी पड़ी थी, वो मैंने इसके अंदर रख दिया है और इसको कवर करके इट्स द वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट यू कैन गिव इट टू योर फ्रेंड लव वंस एनीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द 4th DIY। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये प्लास्टिक शीट जो कि हमारे किसी भी जो हम कुछ ऑर्डर करते हैं उसमें आती है, थोड़ी हार्ड वाली प्लास्टिक शीट है ट्रांसपेरेंट। तो मैंने इसका एक कोन बनाया है एंड देन इसको जस्ट सिंपली ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करके एक कोन फॉर्म कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर आप कोई भी जूट रोप लगा सकते हैं, किसी भी तरह का रोप अगर आपके पास है तो उससे उसको कवर कर देना है आपको उस पूरे रोप से। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉटन रोप पड़ी हुई थी, तो इससे मैं ग्लू गन की हेल्प से इस पूरे कोन को कवर कर दूँगी अच्छे से। बहुत सारा ग्लू लगा के एंड देन इसको रैप 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 करते चले जाना है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वाइट पर्ल्स लगाए हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेटिव चीज आपके पास है वो आप लगा सकते हैं इस पे। और दैट्स इट।
उसके टॉप पे जो कि क्रिसमस ट्री का टॉप जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्नमेंट पड़ा हुआ था तो वो लगाया मैंने इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर मैं ये स्टार शेप का मैं ये रेडीमेड मेरे को मिल गया था, तो उसको मैं रेड कलर थर्मोकोल का है एक्चुअली ये, इसको मैं रेड कलर से पेंट कर दूंगी एंड दिस इज हाउ इट टर्न आउट। इट लुक्स सो क्यूट, आप इसको टेबल टॉप पे रख सकते हैं कहीं पे भी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट DIY विच इज़ अगेन माई फेवरेट। सो अब सांता क्लॉज बनाना है बिकॉज क्रिसमस में सांता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली फेल्ट नहीं था, मेरे पास एक नॉर्मल रेड कलर का कपड़ा पड़ा था, तो उसका मैं ये कोन बना रही हूँ, सॉरी कोन शेप बना के उनका जो कैप होता है वो बनाया है, और उसके ऊपर मैंने एक पॉम्पॉम लगा दिया है। फिर मेरे पास एक बॉल पड़ी हुई थी, ये मेरी बेबी की बॉल थी, तो उस पर मैं फेल्ट को स्टिच करके और कवर करके मैं फेस बना रही हूँ सांता का। जस्ट मैंने उसके बॉल को उस फैब्रिक के अंदर फिल कर दिया है और इस कैप को इस फेस के ऊपर मैं अटैच कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू गन। आप चाहे तो स्टिच भी कर सकते हैं बट आई वाज इन रश, मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। फिर मैं यहाँ पे इनकी आइज बना रही हूँ, सेम वही गुगली आइज मैंने लगाई हैं एंड नोज के लिए मैंने रेड कलर का पॉम्पॉम लगाया है। फिर इनकी बारी आती है इनकी बियर्ड और इनके मुस्टाश की, तो उसके लिए अगर आपके पास फर है तो आप वो यूज़ करिए, वो बहुत प्यारा लगता है। अगर मेरे पास फर अवेलेबल नहीं था, मेरे पास फेल्ट था वाइट कलर का, तो मैं उससे इनका बना दिया। और फिर इनकी बॉडी बनाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा पॉट पड़ा था, तो उसको मैंने रेड कलर से कवर कर दिया है एंड देन उनकी बॉडी इस तरह से बना दिया मैंने। सो सम वॉट इट लुक्स लाइक सांता, नॉट एग्जैक्टली बट या इतना बुरा भी नहीं लग रहा। और फिर उनकी बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक साटन रिबन पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का मेरे पास, तो वो लिया है। और उनकी बकल मैंने बनाने के लिए यहाँ पे ये सिल्वर कलर का ग्लिटर फोम शीट थी, तो उससे मैंने बकल बना दिया है और जस्ट इसके ऊपर स्टिक कर दिया मैंने। अब इनके बैक पे थोड़ा सा जो जॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे थे वो हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का बैग टाइप बनाया है, जैसे सांता का जो बैग होता है जो अपने बैग पे कैरी करते हैं वो बना दिया, उससे वो पीछे का जो होता है वो भी छुप गया है। एंड देन इन कुछ मार्कर से इनकी आईब्रोज और बाकी कुछ डिटेलिंग कर दिया मैंने। दिस इज हाउ इट लुक्स, मेरे क्यूट से सांता रेडी हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं एक दो दिन में अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्रिसमस ट्री कैसे बनाया है और ये सारा अरेंजमेंट मैंने कैसे किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।